आज हम लोग जानते हैं स्थल डमरू मध्य के बारे में। क्या आप जानते हैं स्थल डमरू मध्य किसे कहते हैं? हेलो दोस्त, नमस्कार। ज्ञान मंच आरबी के एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए इसके बारे में जानना शुरू करते हैं। स्थल डमरू मध्य, स्थल का वह संकीर्ण भाग या संकरा भाग, स्थल का वह संकीर्ण भाग या संकरा भाग जो स्थल के दो बड़े भूभागों को मिलाता है, यानी दो बड़े भागों को मिलाता है, उसे स्थल डमरू मध्य कहा जाता है। जैसे पनामा एक स्थल डमरू मध्य है, क्योंकि पनामा दो बड़े भूभागों को मिलाता है, यानी पनामा एक नहर है जहाँ नहर दो बड़े भूभागों को खंड करता है, यानी नहर बनाकर दो बड़े भूभागों को खंड किया गया है, यानी एक सागर से दूसरे सागर, मतलब जहाज पनामा नहर के माध्यम से जाता है। तो और एक बार देखते हैं, स्थल का वह संकीर्ण भाग या पतला भाग जो स्थल के दो बड़े भागों को मिलाता है, उसे स्थल डमरू मध्य कहा जाता है। इसका उदाहरण पनामा स्थल डमरू मध्य है। पनामा एक नहर है जो दो बड़े भूभागों को मतलब खंड करता है, यानी अगर पनामा नहीं रहता तो वहाँ पर भूभाग का संकीर्ण भाग वहीं पर पाया जाता है, उसी को स्थल डमरू मध्य कहा जाता है।